हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एक किया स्पाइकेटा के बारे में। दोस्तों इस समय हम बात कर रहे हैं कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर एनसी घोष की पुस्तक से। तो आइए दोस्तों आज हम बात करते हैं एक्टिया स्पाइकेटा के बारे में। एक्टिया स्पाइकेटा स्पेन आदि स्थानों में एक प्रकार के पौधे की जड़ या सोर का टिंचर होता है। यह साधारणतः छोटी छोटी संधियों जैसे हाथ की कलाई, उंगलियों की गांठें, एड़ी इत्यादि में वात के दर्द यानी सब एक्यूट रूमेटिक पेन ऑफ द स्मॉल ज्वाइंट्स स्पेशली यूजफुल व्हेन सावर स्टमक इज प्रेजेंट, अर्थात क्षुद्र संधियों यानी छोटी संधियों छोटे जोड़ों के नवीन वात में के दर्द में, खास मतलब कोई भी वात जो जल्दी ही शुरुआत हुआ हो उस दर्द में, खास कर जब अम्ल का रोग भी हो तो अत्यंत उपयोगी है। इसकी महा औषधि है और वात में प्रायः कॉलोफाइलम और एपोसाइनम एड्रोसी के सदृश ही यह दवा है। प्रभेद जानने के लिए इनके अध्याय देखिए। मुंह की बीमारी, इसमें ऊपरी जबड़े में एक तरह का तेज कष्टदायक दर्द होता है जो दांत से आरंभ होकर गंड अस्थि यानी गले की जो हड्डी होती है वहां के बीच से होता हुआ कर्णपट्टी तक चला जाता है। ऐसे दर्द में इससे फायदा होता है। वात, इसका लक्षण एक्टिया रेसिमोसा अध्याय में लिखा गया है, वहां पे देख सकते हैं। निम्नांग फूल जाता है यानी पैर का निचला भाग फूल जाता है, वहां पे दर्द होता है। उर उठाने पर कांपता है, घुटनों में बहुत कमजोरी मालूम होती है, हाथ में पक्षाघात की तरह की कमजोरी और दर्द रहता है। फार्मिका रूपा और स्टलेरिया वात व गठिया वात की उत्तम दवाएं हैं, इसको इससे दवा से कंपेयर कर सकते हैं। सुस्ती, बोलते खाते और चलते फिरते असन्न हो पड़ जाता है यानी सुस्त हो जाता है। पाकस्थली यानी पेट, वमन के साथ पेट दर्द में शूल का दर्द और श्वास कष्ट पैदा हो जाता है। यह सदस्य है एकोनाइट कालोफाइलम सिमिसिफ्यूगा और लिडेपाल के साथ में, क्रम इसका 3 से लेकर के 30 पोटेंसी तक यूज की जाती है, उसके ऊपर 200 भी यूज की जाती है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज एक्टिया स्पाइकेटा के बारे में। रेयर मेडिसिन है लेकिन इसका यूज होता है जब भी रूमेटिक पेन होती है, खासतौर से जैसे कि मैंने आपको बताया हाथ की कलाई, उंगलियों की जो छोटी छोटी गांठें होती हैं जहाँ पे स्मॉल ज्वाइंट्स होता है दोस्तों, वहाँ के अगर सूजन है दर्द है तो वहाँ के लिए एक अच्छी दवा है एक्टिया स्पाइकेटा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा ले सकें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।